सरस्वती ग्रुप के संस्थापक और गोरेगांव इलाके के जाने माने समाज सेवक स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे की पांचवी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 23 फरवरी को मंगल पाठ और सामाजिक भंडारे का आयोजन गोरेगांव के फिल्म सिटी रोड पर स्थित सरस्वती ग्रुप के मुख्यालय पर रखा गया, जिसमें समाज से जुड़े कई सारे जाने माने विभूतियां मौजूद रहे, जिन्होंने स्वर्गीय वेद प्रकाश जी की किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी और उन्हें इस मौके पर याद किया। आशीर्वाद मिला वो मैं मेरे पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन उनका जो आशीर्वाद था और उन्होंने मुझे जो सहयोग किया वो देखने के लिए वो आज नहीं है अपने पर। उनकी जो पिताजी का आशीर्वाद बेटे के पीछे रहता है और बाद में जो बेटा अपना बड़ा होने के बाद बेटे की तरक्की देखने के लिए जब पिताजी होते हैं तब उनको एक अलग से आनंद मिलता है। लेकिन वेद प्रकाश जी संतोष नगर श्री कृष्ण नगर में रहने के लिए आए तभी से यहाँ पर रहने वाले मेरे सभी गरीब लोगों को, मध्यम वर्गियों को, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे कोई भी जात का हो, उन्होंने जात भेद कभी नहीं देखा। उन्होंने हमेशा गरीबों के साथ देने की सेवा करने की कोशिश की और गरीबों का आशीर्वाद जब किसी को मिलता है तो वो बहुत बड़ा तरीके कर सकते और अभी आज तो वो नहीं है अपने में। 5 साल हो चुके हैं, उनका बेटा है, 2 बेटे हैं, भाभी है हमारी, बड़ा परिवार है उनका। लेकिन हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये परिवार से हमेशा जुड़े रहे थे। कोई भी बात रही, कोई भी चुनाव रहो या कोई भी आपत्ति या बस इधर भी आएगी तो हमेशा वेद प्रकाश पांडे जी को याद करेंगे, तो वेद प्रकाश पांडे जी हमेशा वहाँ खड़े रहते थे। विकास मेरे से छोटा है, उसका नाम ही विकास है।
और पिताजी का नाम है वेद प्रकाश। आपने हिंदी भाषिक में कहते हैं वेद, तो उसने मेरा उसको एक ही सलाह रहेगा कि जो पिताजी ने छोटे से छोटे गरीबों का सेवा किया है, उनका मार्गदर्शन लिया है, भले आदमी बड़े थे लेकिन कोई भी मार्गदर्शन लेने के लिए छोटा किसी को नहीं समझना है, छोटे के छोटे आदमी का मार्गदर्शन लेकर अपने को आगे चलना है। अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, समाज की सेवा करना है, तो अपने सहयोगी लोगों को लेकर अपने को आगे बढ़ना है। धन्यवाद। हमारे समाज के अग्रज वेद प्रकाश पांडे जी की पांचवी पुण्यतिथि पे हम सभी भाइयों को बहुत दुख है, उनका न रहना। समाज के अग्रज हमारे के बड़े भाई, हम लोगों का उत्साहवर्धन और एक गार्जियन स्वरूप वेद प्रकाश पांडे जी का जाना बहुत दुखद है। उसकी भरपाई अभी तक हम लोगों ने नहीं की है। फिर भी मैं अपने विकास पांडे जी भतीजे से ये इसी उपेक्षा करूंगा कि उनके बताए हुए पदचिन्हों पे चले और सरस्वती ग्रुप का नाम रोशन करें। अब भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करें, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूंगा। आज उनके पुण्य तिथि पे मैं सादर नमन प्रणाम करता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही छोटे नोटिस पे हुआ है। कल ही डिसाइड हुआ कि करना है और आज आपके सामने है। जो भी हो रहा है प्रभु की माया है, बस और पिताजी का आशीर्वाद है। ये पांचवा वर्ष है उनका, बट अभी भी ऐसा लगता नहीं कि पाँच वर्ष बीत गए उन्हें हमारे बीच शारीरिक रूप से ना होते हुए, बट उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती रही है। और उनका जो एक डर था मन में, वो ईश्वर करे मैं जब तक जीवित हूँ मेरे भाई जीवित हैं, वो डर हमेशा बना रहे, वो डर ही बांधे रखेगा परिवार। बाकी जहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं, इनके आशीर्वाद और सहयोग के बिना, चाहे अंकल जितू अंकल हो, देवेंद्र तिवारी हो, अजय दुबे हो, गौरी भाई हो, विनोद पांडे जी हो गए, हमारे छोटे भाई शेखर पांडे जी हो गए, सरोज दुआ हो गई, और हमारे समस्त सरस्वती ग्रुप स्टाफ, इन सबको मिलाकर जो एक हम लोग एक परिवार बनाकर एक साथ जो काम कर पाए। अब काम तो बात की बात है प्रगति, पहले जो संघर्ष में जीवन था शुरुआत का पिताजी के बाद, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था, अचानक हो गया। और जैसे कहा जाता है कि जितना बड़ा पेड़ गिरेगा आवाज उतना ही होता, तो अचानक हो गया, तो समझ ही नहीं आया कि समाज संभालू, व्यवसाय संभालू कि खुद को, बस सबकी मिली नगर से हो गया। पर मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अपने छोटे भाई को करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कितनी भी बड़ी संपत्ति हो, अगर भाई साहब नहीं है आपका या परिवार, तो वो ही संपत्ति आपके लिए श्राप बन जाती है। हिंदी में कहावत है कि किसी पेड़ के गट्टे का हिस्सा न होगा, अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा न होगा। तो सनी ने अपनी उम्र से बढ़ के समझदारी, सूझबूझ और काम में कार्य कुशलता दिखाते हुए, जो मैं पिताजी के लिए करता था एक साया बन के, जो पिताजी के साथ मैं उनके एक परछाई बन के खड़ा था, जो सीख रहा था उनसे, उसी तरह से सनी भी मेरे साथ लगे हैं। हम दोनों भाई मिलके लोगों का जो भी मुझे जहाँ भी कंफ्यूजन होता है, जब भी मुझे कोई भी चीज़ समझनी होती है, बोलनी होती है, सभी यहाँ पे जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, अंकल बोलने के लिए आए हैं, तो सब फिट है यहाँ पर, इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। जैसा कि एक मैं आपके पर्सनल लाइफ में मैं बात करना चाहता हूँ कि आपकी माता जी का कहना है कि मेरे लव और खुश है, मेरे बेटे में लव खुश है, और मगर मेरा जो बेटा है वो श्रवण कूप मार की भूमिका है। और जैसे आपके छोटे भाई सभी बोलते हैं कि मेरे भाई राम की भूमिका है, जिस तरह से अपने पिताजी की जो विरासत की जो संपत्ति है, उनके पहनावे हैं, वेशभूषा है, उनके कपड़े, उन्हें आज तक आपने ये बात पूरी तरह से सत्य है, और इसको आप कभी भी घर पे आके वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पिताजी का कपड़ा आज भी लॉन्ड्री में जाता है, इस्त्री होता है। मैं अपना जूता पॉलिश करता हूँ तो उनका जूता पॉलिश होता है, मैं अपना चप्पल पॉलिश करता हूँ तो उनका चप्पल पॉलिश होता है। घर में बाथरूम भी मैं जब बना रहा था, बेडरूम मास्टर बनाना था, तो मेरे पिताजी सामाजिक आदमी थे, तो उनको अपने साथ बैठे हुए लोग समाज चाहिए, तो मैंने मेरा बेडरूम छोटा रखा, लेकिन उनका बेडरूम बेड
फिफ्थ सोफा रखा ताकि उनकी उपस्थिति, क्योंकि दिल मानने को नहीं तैयार है ना कि वो नहीं है, तो ये चीजें सिर्फ बोलने में नहीं, मन में और आपके हरकत में, दोनों में दिखना चाहिए, तो ये बात एकदम सही है। अरे सनी ने जिस तरह से आपकी राम की भूमिका में आपको इनके सनी के बारे में क्या कहा, सर को अगर जोर से मार दो एक बार तो दो ही उपाय है, एक या तो वो टूट के कंकड़ कंकड़ हो जाएगा या तो वो आकार लेके शंकर शंकर हो जाएगा, तो मेरे भाई का दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। ये बहुत मस्ती कर रहे हैं ये अपने, अब सीधी बात है मेरे आज का 5 साल पहले हुआ है, तब मेरी उम्र थी कितनी 30 साल, मेरे भाई की उम्र कितनी थी 7 और 8, 25 साल भी नहीं थी, शादी भी नहीं हुई थी, शादी तय हुई थी, तो अगर पिताजी की मृत्यु इनको दोनों तरफ ढकेल सकती थी, एक मनगढ़ बना देती कि भैया मैं अब भाई नहीं हूँ, मैं भी एक हिस्सेदार हूँ, लेकिन नहीं, ये भाई से बढ़कर मेरे सेवक बन गए एक तरह से देखा जाए, और अकेली ये नहीं, इनकी बहू भी, वो भी एकदम छोटी, मतलब मेरी छोटी बहन जैसी है, परिवार जोड़ना इस मेरे ख्याल से आज के टाइम में कोई बोले 1000 करोड़ का परिवार है बहुत बड़े आश्चर्यचकित की बात नहीं है, लेकिन 2 भाई है, 3 भाई है, 1 किचन है, 7 खाना खा रहे, ये बहुत बस यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की सेवा के लिए किसी भी दिन को आप आगे मत धकेलिए कि अब कल से मैं बहुत अच्छा उनके लिए करूँगा, कल करूँगा, अगला क्षण किसी ने नहीं देखा, मुझे मेरे पिताजी के अंतिम समय में मैं उनके साथ नहीं खड़ा रह पाया, वो आदमी 1 सेकंड किसी के लिए वेट नहीं करते थे, जूता पहनने तक अगर मैं लेट हूँ चले जाते थे, गाड़ी बाद में आती थी, तो उनकी मृत्यु रात को हुई और मैं इतना मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अगले दिन 12-1 बजे पहुँचा, तब तक वो वेट किए, तो वो एक मेरे अंदर रह गया कि अब जब उनके लिए मुझे करना था तो नहीं दिया भगवान ने मौका, तो जिन हर एक को यही मेरा मैसेज है, हर दिन जियो, हर दिन काम करो, मस्ती करो, माता पिता की सेवा करो, पत्नी से प्यार करो, अपना शौक भी पूरा करो, गलत किसी के साथ सोचो मत, गलत करो मत, हाँ अपना घर पे लेके चला जा रहा है वो खुश हो रहा है आपकी तरफ से, ये सोच के हटाओ बस। सभी को नमस्ते, मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि मैं पहली बार जब से पांडे जी गए मैं पहली बार आज विकास जी के मैसेज पे आई हूँ, इसके पहले मेरा कभी आना नहीं होता था, कारण कि मैं उनकी कुछ चीज़ों को भुला नहीं पा रही थी, एक समय ऐसा मेरा था लाइफ में मेरा एडमिशन लॉ में नहीं हो रहा था, उस समय यहाँ के लोकप्रिय जो सांसद हैं गजानन किर्तिकर जी, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया उनके फ़ोन पे एक लेटर पे, बट एडमिशन होने के बाद मेरे पास फीस भरने को पैसे नहीं थे, शायद मुझे कुछ गलत काम करना पड़ सकता था, बट किसी के माध्यम से मैं पांडे जी के पास आई पतपीढ़ी में, मैं तो एक लोन के लिए उनके पास आई थी कि मुझे लोन भरना पड़ेगा चलेगा बट मुझे फीस भरना है, बट उनको मेरा बात इतना अच्छा लगा, उन्होंने मेरी जो फीस थी विदाउट एनी EMI कुछ भी करके उन्होंने मुझे अपने जेब से मुझे पैसे दिए, बोला आपके फीस भरो और आगे बढ़ दो, और जब वो गांव जा रहे थे उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तो एक दिन बहुत बड़े स्तर पे जाएगी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं महाराष्ट्र की पहली किन्नर एडवोकेट, दूसरी देश की बनी, मुझे आज यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर का डिग्री मिला, तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए है, और शायद आज वो होते तो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग था, आज लोग हमसे दुआएं मांगते हैं, लेकिन मैं आज भी उनके जब प्रतिमा को देखती हूँ तो लगता है कि आप मेरे को कहीं ना कहीं देख रहे हो और आपकी दुआएं मेरे साथ में हैं, और मुझे बहुत फील होता है कि मैं उन पैसों को रिटर्न नहीं कर पाई आज तक, और ना ही उनके मैं अंतिम संस्कार में जा पाई, मैंने बहुत प्रयास किया था, विकास जी को भी पता है, बट मैं लिटरली नहीं जा पाई, और मैं उस पैसे की बहुत कर्जदार हूँ, मैं उनसे यही एक आज्ञा चाहूँगी कभी मुझे मौका मिले तो मैं शायद आपके परिवार के लिए कहीं खड़ा उतरूँ और सारथी बनूँ। पांडे जी हमारे सोसाइटी क्षेत्र के लिए बहुत ही आदरणीय थे, और सोसाइटी में कैसा काम करना है, कैसा लोगों से मिलना है, कैसा जुड़ना है, कैसा डेवलप करना है, ये उनसे बहुत सीखने को मिला, और एक बार की बात बता रहा हूँ, मैं मेरे ऑफिस में आए अजय दुबे के यहाँ पे गणेश पूजा था, वहाँ पे वो आ रहे थे, तो रास्ते मेरी ऑफिस है, वहाँ पे वो 2 मिनट रुके और बोले कि साथ में चलो चलते, उस टाइम मेरा एक काम था, उनके एक फ़ोन पे उन्होंने काम ऐसा किया जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, और आज उनके नहीं रहने पे
उनकी कमी बहुत खल रही है, क्योंकि जब भी सोसाइटी की कोई बात आती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है और वो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय थे। आज नहीं रहने पे उनकी कमी हमें। विकास भाई के लिए आप अपने क्या आशीर्वाद को देना चाहते? विकास भाई उनके कामों को बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं और उनका जो भी संबंध है, जो हम लोग के साथ संबंध था, आज वो विकास भाई के साथ है और उनके काम को अच्छे ढंग से समझ। मैं तो सबसे पहले आज के दिन बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा अनलकी हूँ इस चीज़ में, अनलकी हूँ कि जब मेरा राइट टाइम आया था चाचा जी से कुछ सीखने का और कुछ कवर करने का, कुछ लेने का, तो मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं रोज आके यहीं बैठा होता और कुछ ना कुछ उनसे सीखता समाज में मुझे क्या करना है, क्योंकि यह ऐसे आदमी थे जो जैसे आज हम लोग भी हैं, 9 करते हैं तो 900 या 9000 दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कब 9000 करते थे और 9 भी नहीं दिखाते थे, ये मैंने बहुत बार नोट किया था। मेरा उनका मुलाकात हमेशा होता था। हाँ, लेकिन मैं एक चीज में बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी जो पहली कंपनी का स्टार्टिंग था, मेरा जो ओपनिंग था ऑफिस का, उन्होंने ही किया था, तो मैं इसके लिए अपने आप को लकी समझता हूँ। हमेशा फोटो देखता हूँ कि मेरी फर्स्ट ऑफिस की ओपनिंग उन्होंने किया था, जो मेरे लिए एक है कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पास रहता है, वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जहाँ है वो वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनके दोनों बच्चों के बारे में बोलूँ, सनी के बारे में और विकास के बारे में, दोनों ही काफ़ी मेहनती है, क्योंकि क्या होता है कि भले वो आज यहाँ नहीं है लेकिन वो देख रहे हैं कि मैंने जिस घर को बनाया था, जिस रूप में तैयार किया था, अगर बच्चा उसको लेके चल पा रहा है तो उससे ज़्यादा एक पेरेंट्स को खुशी नहीं मिल सकती है। सिर्फ कमी यही है कि उन्होंने अपने आप के सामने नहीं देखा ये सब करते हुए, क्योंकि मैंने देखा जिस हिसाब से विकास बड़ा होके सनी को उस लाइन में लाके सनी को भी एक अच्छे से एक लेन में लेकर आए, शादियाँ मैंने देखा है, बहुत कुछ देखा है, कि मतलब ऐसी कमी नहीं होने दिया कि नहीं यार कि अभी हम छोटे बच्चे हैं, क्योंकि विकास और मेरी एज सेम है, हम एक स्कूल के समल आसपास के लोग हैं, तो जिस हिसाब से हैंडल किया है बहुत बड़ा काम किया है। और सनी का भी मैं बहुत बहुत अच्छा बोलूंगा, क्योंकि छोटा भाई होने के बाद जो डाइवर्ट होता है वो डाइवर्ट ना होकर अपने भाई का सपोर्ट करे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके बारे में जितना मैं तारीफ करूँ जैसे भाई साहब ने कहा उतना कम है। मैं तो उनके साथ एक छोटे भाई की तरह काम किया हूँ, वो कभी समाज का विकास ही चाहते थे, कभी किसी से द्वेष नहीं रखते थे, उनका विचार हमेशा यही रहता था कि वो भी डेवलप करे, हम भी डेवलप करें, अगला भी डेवलप करे। तो उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। आज उनकी कमी शायद उनके परिवार, मतलब तो मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे इतनी बड़ी कमी महसूस होता है उनका कि मैं उसका भरपाई नहीं समझ सकता हूँ कि वो भरपाई हो सकता है। रहा विकास जी का सवाल, तो विकास जी उस सीढ़ी को, उस पद्धति को संभाल के लेके चल रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ा गौरव की बात नहीं है। भतीजे हैं मेरे, मुझे तो एक छोटे भाई की तरह उनका स्नेह प्यार हमेशा रहता था। मैं उनके साथ में काम किया हूँ और बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ। जो डेयरिंग उनके अंदर थी मैं साथ में देखा हूँ, वो शायद मेरे अंदर वो डेयरिंग नहीं है। तो उनके लिए मैं इस पुण्यतिथि पे हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी बहुत ही सरल, बहुत ही सादा व्यक्तित्व था उनका, समाज के लिए बहुत ही एक अच्छे समाज सेवी थे। वो दान करते थे लेकिन कहीं घोषणा नहीं करते थे, व्यक्त नहीं करते थे, वो अपने गुप्त तरीके से दान करते थे और कभी वो चाहते नहीं थे कि उसका दिखावा हो। उन्होंने सरस्वती ग्रुप, सरस्वती फाइनेंस और सरस्वती कॉम्पनी सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। उनका शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और अपने ईमानदारी से उतने एक अच्छे मुकाम पर अपने को स्थापित किया। मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। विकास जी के बारे में आप क्या आशीर्वाद के रूप में आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? विकास जी के बारे में मैं इतना कहूंगा कि जैसे मेरे छोटे भाई वेद प्रकाश जी जितने ही सरल, जितने अच्छे व्यक्तित्व उनका था, वैसे ही मेरा भतीजा विकास उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आज उनके काम को बहुत आगे बढ़ा रहा है। मुझे उस पर बहुत गर्व है, उन्होंने अपने पिता के नाम को बहुत आगे बढ़ाया, उनके काम को आगे बढ़ाया और आज समाज में भी वो बहुत ही सक्रिय है और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने पिताजी का भी नाम कर रहे हैं, उस गौरव को बढ़ा रहे हैं। आज
स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी का 5वीं पुण्यतिथि है, उनको सब सब नमन और पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देता हूँ। वो एक सच्चे समाज सेवक थे और बहुत अच्छे समाज सेवक थे, उनको सब सब नमन करता हूँ। नमस्ते। ये सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश पांडे जी जो पांचवी शोक सभा जो है उनको याद करने का जो अवसर आया है, पुण्यतिथि जो है उनकी, उसके ऊपर मैं पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। और वेद प्रकाश पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति, और वो जो भी उनके पास व्यक्ति आता था हमेशा वो मदद करते, चाहे बैंक के माध्यम से हो, चाहे वो हॉस्पिटल का खर्चा हो, किसी को इलाज की जरूरत है, किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, कुछ भी हो, वो हमेशा गरीबों का दर्द समझते थे। कैसे व्यक्ति, और हमारे तो एक परिवार के सदस्य के जैसे थे, हमारे एक बड़े भाई थे, और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुआ, और उसका वजह यही था कि वो निश्चल थे कि व्यक्ति, और उनको जो उनके मन में जो रहता था वो कभी छुपाते नहीं, जो भी सुख दुख जो भी रहता था वो बांट लेते थे आपस में, और जहाँ वो पहुँचते थे वहाँ एक खुशनुमा माहौल बन जाता था, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे जहाँ भी पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं समाज का किस तरह से समाज में आप तरह तरह की बात की जाती है, ऐसे समय में अगर ये पूरा न रहना और देखिए, वेद प्रकाश पांडे जी का जाना ये तो समझ लीजिए हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आज समाज की जरूरत है, जो कि पैसे इतना पैसा रुपया रहते हुए भी एकदम मतलब डाउन टू अर्थ वाला व्यक्ति, जमीन पे रहने वाला व्यक्ति और गरीबों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, ऐसा है। अभी अपने जो बैंक की जो पद पेटी है उसके माध्यम से उन्होंने रिक्शा वालों को काफ़ी मदद की। मेरे जानकारी में, मैं तो भाई राजकोट में हूँ, मैंने भी कई बार उनको फोन करके किसी को रिक्शे वाले लोन लिए हैं, समय पे नहीं भर पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम लोग फोन कर देते थे कि जी गरीब आदमी है, अपने उत्तर भारतीय है, उनकी मदद कीजिए, तो सीधा बोलते थे अच्छा बताइए भागु साहब क्या दे दूँ, क्या क्या दे देगी ये बताइए, मतलब वहाँ कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं। तो गुरु ऐसे व्यक्ति का जाना तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और उनकी क्षति हमेशा रहेगी। और मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि जैसे विकास के लड़के हैं, उन्होंने भी थोड़ी जगह पांडे जी की ले ली है, पांडे जी तो नहीं बन सकते, लेकिन ये है कि प्रयास है, अभी यंग लड़का है, वो तो उस हिसाब से समाज में इकट्ठा होना, समाज में सोशल होना और लोगों की मदद करना, तो वो जेनेटिक है इनके अंदर भी है। और मेरी शुभेच्छा है कि ये भी वेद प्रकाश पांडे जी की तरह आगे बढ़े, तरक्की करें और सूरज की तरह चमके, ये मेरा आशीर्वाद है बच्चे को। और पूरा एक बार मैं